एवरीवन, आज तमिलनाडु स्टेट का वेटनरी कॉलेज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलेज कितना पड़ेंगे, सारे इतना कॉलेज की बात कर रहे हैं, सारे हमारे गवर्नमेंट है, प्राइवेट इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। प्राइवेट भी होंगे बट यहाँ पे नहीं है BCI के द्वारा, BCI जानते हो ना, ऑल इंडिया के थ्रू जो कंडक्ट करती है वेटनरी में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बारी बारी से देखते हैं क्या चक्कर है, चीज़ें थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पहला है कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, क्लियर कट तरीके से बताया गया है तमिलनाडु स्टेट में पड़ेगा ये कॉलेज, और तमिलनाडु यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, समझ बात है। और कॉलेज का नाम देखिए कितना कॉलेज है, एक कॉलेज, दो कॉलेज, तीन, चार, चार कॉलेज, ठीक है, टोटल नंबर कॉलेज चार हैं। फर्स्ट है मद्रास वेटनरी कॉलेज चेन्नई, ठीक है, पहला है मद्रास वेटनरी कॉलेज, तो चारों में से सभी टॉप कॉलेज कौन है, मद्रास वाले, ठीक है। सेकेंड है ऑर्थनाडु वाले, ठीक है, थर्ड है नमाकाल वाली, एंड फोर्थ लास्ट है तिरुनेलवेली वाला, ठीक है। ओ माय गॉड, इज द वीडियो इज स्क्रेच, एक मिनट फिर से मैं कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। वह कॉलेज समझ में आई बात है, कॉलेज को समझ में आई, पहले मद्रास वेटनरी कॉलेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए इसमें कॉमन सीट सीट देख लें, टोटल सीट्स, टोटल सीट्स, ठीक है, टोटल सीट देखो, पहले यदि ऑर्थनाडु में देखें किसका वाले, चेन्नई वाला देख लें, मद्रास वाले, तो इसमें 120 सीट्स हैं टोटल, लेकिन BCI के द्वारा जो 15% हमारे जो ऑल इंडिया के थ्रू यदि नीट एग्ज़ाम दिए हैं तो इसी के थ्रू जाना होगा ना, नीट का एग्ज़ाम दिए तो, और रेस्ट जो 85% जो बच गया वो तमिलनाडु का खुद अपना स्टेट का एग्ज़ाम खुद लेती है इस वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। वो कौन दे सकता है, सिर्फ तमिलनाडु स्टेट वाले ही दे सकते हैं, अदर स्टेट वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो 85% में हम लोग एडमिशन नहीं ले सकते अदर स्टेट वाले, ठीक है। 85% सिर्फ स्टेट वालों के लिए होता है, मतलब तमिलनाडु स्टेट वालों के लिए ही होता है, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं होती है, बातें समझ में आई क्या। तो हम इस स्टेट में नहीं बिलोंग करते हैं, फिर भी मुझे इसी में एडमिशन चाहिए, तो आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा। नीट एग्ज़ाम देने के बाद आपका स्कोर जो आएगा, पहले वो स्कोर पासिंग हो जाना चाहिए, मतलब क्वालिफाई मार्क्स होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स है या नहीं है वो डिपेंड करेगा आपका चॉइस पे, ठीक है ना, कि कट ऑफ क्या जा रही है ईयर में। तो आपको नीट का पहले स्कोर लाना होगा, बात समझ गया, फिर नीट का स्कोर लाना होगा। कट ऑफ क्या होती है अभी बात करते हैं इस चीज़ का, ठीक है ना। बट अभी नीट एग्ज़ाम दिए हैं तो ही इसमें 15% ऑल इंडिया के थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो टोटल सीट कॉमन है, समय 15 15 15, ओ माय गॉड, 15 15 15, समय कॉलेज जो सीट हैं ऑल इंडिया के थ्रू वो समय 15 15 है, कोई डाउट नहीं है सर, चाहे चेन्नई वाली कॉलेज हो, चाहे नमाकाल वाले हो, चाहे ऑर्थनेंडू वाला हो, चाहे तिरुनेलवेली वाला, सब में 15 15 कॉलेज, मतलब सीट्स हैं। UR कैटेगरी के लिए चेन्नई में देखें तो 6 सीट्स हैं, बट नमाकाल के लिए 5 सीट्स हैं, एंड ऑर्थनेंडू में भी 5 सीट्स हैं, एंड तिरुनेलवेली में भी 6 सीट्स हैं। तो चेन्नई और तिरुनेलवेली में कॉमन सीट हैं, 6 6 हैं UR कैटेगरी के लिए, और ऑर्थनेंडू और नमाकाल में 5 5 सीट्स हैं। ये चीज़ें समझ आई क्या, ये चीज़ें समझ आई क्या, ये चीज़ें समझ आई क्या, आई समझ में। देन इसमें देखो UR हैं बट PWDS के लिए सिर्फ इसी में सीट है, किसमें, चेन्नई मद्रास वाले में, बाकी रेस्ट में कहीं भी कॉलेज में सीट नहीं है, बात समझ, एक सीट है। जनरल EWS के लिए देखें, जनरल EWS के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है चेन्नई में मद्रास के लिए, बट नमाकाल के लिए चेन्नई में 1 सीट है, जनरल EWS, सॉरी हम किस में जा रहे हैं, जनरल EWS के लिए कोई सीट नहीं है मद्रास में, सेकेंड नमाकाल में 2 सीट्स हैं, ऑर्थनेंडू में 1 सीट्स हैं, और तिरुनेलवेली में 2 सीट्स हैं, बातें समझ आई, ये बातें समझ में आई। नेक्स्ट दल आप जनरल हैं, EWS हैं, PWD के लिए हैं, तो कोई सी में सीट नज़र नहीं आएगा, सिर्फ मद्रास में ही सीट एक सीट है। OBC के लिए 4 सीट्स, एक में 5 सीट्स हैं, और ऑर्थनेंडू में 5 सीट हैं OBC के लिए, बाकी सब में 4 सीट हैं। OBC PWDS के लिए कोई सीट नहीं है, किसी में भी नहीं है, ठीक है, ये कॉमन एसओ के लिए देख लेना भाई, ठीक है ना। देन है हमारा SC कैटेगरी के लिए, सब में 2 सीट हैं, सिर्फ नमाकाल में 3 सीट्स हैं, बाकी सब में 2 2 सीट्स हैं, और यदि SC और PWDS कैटेगरी के लिए हैं तो कोई सीट से नज़र नहीं है यहाँ पे। देन ST कैटेगरी के लिए सब में 1 1 सीट हैं, सिर्फ हमारे ऑर्थनेंडू में 2 सीट हैं ST के लिए, बाकी सब में 1 1 सीट हैं, और ST PWDS के लिए कोई सीट नज़र नहीं आएंगे आपको, ठीक है। सेम डिस्ट्रीब्यूशन था कॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलते हैं कॉलेज के बारे में, थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, इसमें एडमिशन कैसे होगा, ठीक है, और इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या इसका कॉलेज का फी होना चाहिए, ये सब कॉलेज का सेम होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है ना कि कॉलेज डिसाइड करता है, ठीक है। इस कॉलेज का, इस चारों कॉलेज का जो है ना कॉलेज फी स्ट्रक्चर सब सेम रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है, यूनिवर्सिटी तीनों का कॉमन है, सेम है, समझाइए बात है। इस चेन्नई का यूनिवर्सिटी यही है, नमाकल का यूनिवर्सिटी यही है, ऑर्थनेडू का यूनिवर्सिटी यही है, और तिरुनेलवेली का यूनिवर्सिटी, तो यही डिसाइड करेगा। तो इसलिए इसकी थोड़ी से जानने की कोशिश करते हैं, तो कहाँ से जानेंगे इसको, कहाँ से जानेंगे आप, ठीक है, आपको कहाँ जाना है, पहले गूगल पे जाना है, कहाँ जाना है, गूगल पे, कहाँ जाना है बॉस, गूगल पे, और गूगल पे जाके क्या सर्च करना है, ये अपना यूनिवर्सिटी का जो नाम था तमिलनाडु वेटनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, इसको आपको सर्च करना है चेन्नई में, ठीक है ना, जो यूनिवर्सिटी का नाम था उसको आप सर्च करना है गूगल पे आके, बिल्कुल किए, तो आपका फर्स्ट पेज ओपन होगा, आपका फ्रंट पेज यही है आपका,
किसी वेबसाइट है या यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जस्ट आपको टच करना है, प्यार से टच कर देना है। अब नीट के स्पीड पे डिपेंड करेगा, या इस पेज जल्दी खुल रहा है, ओपन हो रहा है, फिर स्लो चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम, हाँ, तो आप यदि मोबाइल से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डेस्कटॉप साइड पे ही रखना है, ठीक है। क्या करना है, डेस्कटॉप साइड पे ही रखना है, ठीक है, डेस्कटॉप साइड पे ही रखना है। अब जैसे फ्रंट पे जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा तेरे को। अरे बॉस क्या चल रहा है, चेक कर, फिर से करो यार। यूनिवर्सिटी किस पेज को टच कर रहा हूँ मैं, कहाँ टच करना है आपको, टच करना पे भी मायने रखता है, इस पर लिखना है टच करना है, तनुवास है ना, यूनिवर्सिटी को शॉर्ट फॉर्म लिखा है तनुवास है, तनुवास। तो उसमें क्या करना, बस आपको प्यार से टच कर दो, कर दिया, ओपन हो जाए बस। अब देखो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। मोबाइल को डेस्कटॉप पे रखना, जैसे मोबाइल से देख रहे हैं तो, ए माय गॉड क्या फंक्शन चलती है, देख रहे हो, देख लो भाई। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करेंगे, देख रहे हो, तमिलनाडु स्टेट, देख रहे हो। ये सारी फैसिलिटीज़ थे, कुछ कुछ प्रोग्राम थे, सारी चीज़ें देखने को मिला, क्या चल रहा है चक्कर, ये चीज़ें देख लिया, ये चीज़ें देखे क्या समझ में आई क्या, कुछ रिपीट होगा क्या, फिर से देखते हैं, रिपीट नहीं होगा तो, हाँ अब रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो हम यहाँ से बैक चल, थोड़ा सा मैप में जान लेते हैं कॉलेज कहाँ पड़ेगा, तो आपको मैप में जस्ट टच करना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट सर में नहीं जाना, आपको बस कहाँ चला गया यार, फिर से करता हूँ, क्या करना है आपको, जस्ट मैप पे जाके टच कर देना है। क्या चक्कर है यार, ये सब क्या दिखा रहा है, ये हमको सब नहीं देखना बॉस। मैप देखो पहले देखो भाई, एक इंडिया में कहाँ पड़ेगा, देख रहे हो, तनवास कहाँ है, थोड़ा पंगा पकड़ में आ रहा है, देखा इस जगह, ठीक है। अब सब इधर यूपी वाले हैं, या फिर राजस्थान वाले हैं, या हरियाणा से हैं, या पंजाब से हैं, या फिर उत्तराखंड से हैं, इंडिया के कहीं स्टेट से हैं। देखो भाई, वहाँ से जर्नी करने के बाद यहाँ आएंगे, सोचो कैसे आएंगे, फ्लाइट से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, वंदे भारत से आएंगे, ट्रेन से, मुंबई से, राजस्थान, गुजरात से, बिहार से, मेघालय, जो भी है देख लो भाई, मिजोरम से, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आना होगा, सोचो सफ़र कितना लंबा होगा, यदि आप ट्रेन बाई ट्रेन आएंगे तो। फ्लाइट से तो कम लगेगा, बट हाँ फ्लाइट के लिए तो पे भी तो ज़्यादा करनी होगी ना, बहुत पैसे वाले हैं तो कोई दिक्कत वाली है नहीं। अब देखो देखो बस तमिलनाडु, आप तो देख लिया ना इंडिया में, आप देखो तमिलनाडु स्टेट वाले में जूम करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो बातें समझ में आएगी कि हाँ कॉलेज की जगह है, ये समझ में आई क्या, देख रहे हो कॉलेज की जगह है, कॉलेज की जगह है, ये बातें समझ में आई चमक भाई। एक पहले कॉलेज देख लो की जगह है, ये जगह एक चेन्नई वाला, अरे यार कहाँ से आया था, जो काम यहाँ पे है, ठीक है। और चार कॉलेज थी, नहीं एक कॉलेज हो गई, दूसरी कॉलेज कहाँ से लगी यार, यहाँ पे है सिटी, आपको यहाँ पड़ेगा तनवास का, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। ये कॉलेज पड़ेगा आपको, जूम करने के बाद चलेगा सर, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आई क्या, समझ आई क्या, और आपको दिखाते हैं बाकी। फिर से आपको पेज पे आ जाना है, कैसे पेज पे आना है, यहाँ से तनवास पे क्लिक करना है, ओके। तो आपका पेज खुलेगा, तो आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, इसका क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे अवेलेबल है, थोड़ा सा यूजी प्रोग्राम के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, किसका ग्रेड पे है, कितना ग्रेड पे है ना टोटल कॉलेज में। चलिए थोड़ा कॉलेज का इंटरव्यू देख लेंगे, चारों कॉलेज का, ये हमारा कॉलेज का क्या है, लोगो है, देन ये सब यूनिवर्सिटी देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, तनवास कितना बड़ा लिखा भाई, खोले तो बहुत आंसू दिख रही है ना। तो ये चीज़ें आपको क्या करना, फिर से ये तीन डॉट दिख रहा है, इसे क्लिक करना है, यहाँ से कुछ पंगा नहीं चलने वाला। तो क्या करना है आपको, एडमिशन दिख रहा है क्या, कहीं एडमिशन दिख रहा है क्या लिखा हुआ, दिख रहा है ना बॉस, ये देखो है ना, इस पर क्लिक करना है बस, कर दो यार। मोबाइल से देख रहे हैं तो डेस्कटॉप ऑन होना चाहिए, ठीक है, डेस्कटॉप मेरा ऑन है। देन यूजी प्रोग्राम देख रहा है, यूजी वाला, पीजी पर नहीं मत जाना, पीजी वाले मतलब यूजी कंप्लीट हुआ है तब जाएंगे, यूजी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, इस पर जाना है क्लिक करना है, ओके। देन आपका कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यही है क्या, यही है क्या, नेक्स्ट पे जाना है। तो जैसे ही पेज खुलेगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखो आपको जो एडमिशन के बारे में जानना है, उसका एडमिशन के बारे में कुछ नोट किस में जानना है, तमिल में जानना है या इंग्लिश में, तो साउथ वाले जो हैं तो तमिल पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग नॉर्थ वाले हैं, मतलब हम लोग इधर यूपी बिहार वाले हैं, तो गुजरात वाले तो इंग्लिश समझ में आती है, उधर वाले तमिल वाली भाषा तो समझ में आती नहीं है। तो इंग्लिश आपको जस्ट क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना, एक पेज डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरा डाउनलोड हो गया, बट इस पर डाउनलोड करके जैसे करेंगे तो इसको ओपन कर लेना है,
ओपन हो गया। तो देखो 2023-24 के लिए कुछ एडमिशन का क्या सेशन चल रहा है, ये चीज़ें चलेगा। देखो किस में एडमिशन हो रहा है, पहले पहले BBSC एंड एनुअल हस्बेंड्री के लिए, जिसमें हम लोग चाहिए BTech के लिए भी है, BTech पोलिटर भी है, BTech डायरी मैनेजमेंट है, ठीक है। तो हम लोग किसमें जाएंगे भाई, बस ये देख रहा है कि एडमिशन किस किस में हो रहा है। पहले हम लोग इसमें जाएंगे, हम लोग इसमें जा रहे हैं, और भी अच्छा प्रोग्राम दिया है तो हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें चेन्नई वाला है, नमाकाल वाला है, तिरुनेवेली वाला है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन वही चीज़ था जो हम लोग पहले देख रहे थे, और थेनाडू भी देख लिए थे, और तिरुनेवेली, तिरुनेवेली कौन सी है, तिरुनेवेली कहाँ चली, हाँ देख लिया ना, 1, 2, 3, 4, ये सारे चार कॉलेज PCI कंडक्ट करती है, ये सारे कॉलेज PCI कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है। प्राइवेट हो गया, फिर अपना खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम ले रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझाई, देन आपको फिर से बैक चली जानी है, कहाँ पर जानी है, उसी पर जाना है। देन आपको देखो नमाकाल वाले कॉलेज कैसा दिखेगा, पहले देख लेते हैं तिरुनेवेली का। अरे यार जूम कर लेते हैं ना, जूम भी नहीं हो रहा, कहा जब हाल है यार, ये बात प्रॉब्लम कर रहा भाई, ऑटोमेटिक चल रही है, ये मेरे बस की नहीं है यार, हम कुछ कर रहे हैं ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है, ये देख लेना यार। और थेनेडू वाला देख लिया, ये तिरुनेवेली वाली है, नमाकाल वाली इधर है, चेन्नई वाली है, ये तनुवास यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये समझ आई क्या, देन आपको क्या करना फिर से, अरे यार जूम छोटा हुआ, एक परेशान कर रहा है। तो आपको फिर से यूट्यूब पे चले जाना है, ठीक है। देन आपको इंग्लिश टच करने के बाद आपको क्या करना है भाई, एक क्या आएगा यहाँ, फ्रस्ट पैक्टिस कहाँ चला गया यार, यहाँ पे ये क्या था, चलो यहाँ पे नहीं आ रहा दिख रहा है, ठीक है, शायद वो हटा लिया हो, ठीक है। फ्रस्टो कहाँ गया, ये सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के लिए है। अब चलो थोड़ा सा इसका कॉलेज के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बैक चलते हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे चेन्नई का क्या है, ये हटा लिया, हम देखा थे कैसे डाउनलोड होता था, अभी दिखाना चाह रहे थे, पता है नहीं। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस मतलब था कि कॉलेज के बारे में क्या चीज़ें हैं, कैसे इसमें एडमिशन लिया जाए, क्या कॉलेज का फी है, ये से पता चलेगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में वो एडमिशन के पहले हर साल निकालते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या चेंज हुई कॉलेज में, क्या नई चीज़ें हो रही है, और कैसे फैसिलिटी, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होते हैं, यही हम दिखाने वाले थे PDF फॉर्म में, बट नहीं मिला, ठीक है। तो अब मेरे पहले डाउनलोडेड था, तो मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, 2023-24 के लिए है। तो देख रहे हो ना, तनुवास यहाँ लिखा है, तनुवास के लिए है यूनिवर्सिटी, आपको ऐसे दिखेगा जैसे आप जाएंगे कैंपस विजिट करेंगे, तो इसमें कौन कौन सा प्रोग्राम चलता है, इस कॉलेज का क्या लोगो है, ऐसे दिखेगा कॉलेज का लोगो है। देन इसमें प्रोग्राम ऐसा था, प्रोग्राम BBSC के लिए, BTech के लिए, डायरी चाहे पोल्ट्री चाहे फूड है ना। देन आपको देखो थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है कि कब स्टेबलाइज हुआ था, बहुत पुराना कॉलेज है, 1989 में, समझ आई बात है, एक बस इतना जानना था, पुरानी कॉलेज है, इसमें एडमिशन लेना चाहिए। इसमें कौन कौन सा कॉलेज आएगा, 9 कॉलेज बोल रहा है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के थ्रू चेन्नई वाला है, नमाकाल वाला है, तिरुनेवेली है, और थेनेडू वाला है, बाकी सारे रेस्ट हमारा PCI कंडक्ट नहीं कर पाती है, मतलब नीट के स्कोर पर हम लोग एडमिशन नहीं ले पाएंगे। यदि तमिलनाडु स्टेट वाले हैं तो ये सब एडमिशन ले सकते हैं जब इसका एग्जाम कंडक्ट हो रहा होगा, ठीक है। ये तनुवास खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करती है, कौन दे सकते हैं इस एग्जाम को, सिर्फ तमिलनाडु स्टेट वाले, अदर स्टेट वाले नहीं दे सकते, ठीक है। तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते तो अदर स्टेट वाले एडमिशन भी नहीं ले पाएगा ना, समझ बात है। अदर स्टेट वाले बस ये चार कॉलेज में ही एडमिशन ले सकता है, किसके थ्रू, नीट के स्कोर के थ्रू, VCI जब एडमिशन कंडक्ट करेगी तो, ठीक है, है ना, पता है समझ में, यहाँ तक ये बात है समझ। देन आपका कुछ कुछ चीज़ें आएगा, चलो ये सब स्किप करते हैं। ये देखो चेन्नई वाला मेडिकल, क्या बोलते चेन्नई वाला आपका, ये समझ में आएगी कि कॉलेज है, ऐसा है दिखेगा, ठीक है, स्क्रीन शॉट पर बनता है ना। मद्रास वेटरनरी कॉलेज ऑफ चेन्नई, ऐसे दिखेगा कॉलेज, कुछ दिख रहा है, फीलिंग आ रही है क्या कॉलेज की। नेक्स्ट देखो नमाकाल वाली, देख सकते हो ऐसे यूनिवर्सिटी है, समझी बात है, नमाकाल वाली समझ आई, पिक्चर दिख रहे हो, फीलिंग दिख रहे हो क्या, गेट का इंटरव्यू है कॉलेज का। देन आएगा ये तिरुनेवेली वाला, ये भी इंटरेस्टिंग है कॉलेज, देखने में कैंपस बहुत मस्त लग रहा है ना, है ना, तिरुनेवेली वाली मस्त है। और नेक्स्ट है थेनेडू वाली, देखो ये भी धांसू वाली है यार, क्या पिक्चर है, क्या फैसिलिटीज है यार, संगमरमर की बनी है यार, लग तो ऐसे ही रही है। नेक्स्ट मूव ऑन करना है आपको, ये सब अलग अलग वाले हैं, ठीक है, जो खुद तनुवास अपना एग्जाम कंडक्ट करती है, वो सब तो पिक्चर देख सकते हो, बट इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा आपको, अदर स्टेट वाले को, ये बात समझ आई क्या, ये भी खुले जाता है, बट इसमें एडमिशन हम लोग को नहीं मिलेगा, अदर स्टेट वाले को ध्यान रख। तो क्यों दिखा रहे हो भाई, पिक्चर में है, PDF में तो देख लो क्या जा रही है। अब देखो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, ये तो लेके भाई BBSC में लोग आ रहे हैं, अदर यदि अदर में जाना चाहते हैं, देखो भाई BTech फूड टेक्नोलॉजी भी है इसमें, BTech डेयरी पोल्ट्री भी है, ठीक है ना, ऐसा ध्यान, खाना पोल्ट्री और डायरी किसमें जाना चाहते हैं, हम लोग इसमें जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो 5.5 साल की कोर्स होती है, ये सब है, 4.5 साल का कोर्स है, 1 साल इंटर्नशिप है, ये तो जानते हैं यार लोग। सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये तो हम लोग देख चुके हैं भाई, कितना बार दिखूँ मैं,
ठीक है। देन एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया के बिना हम लोग एडमिशन ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये पहले बोला है कि सर्टिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिलो दे रखा है, पासिंग द क्वालिफिंग एग्जामिनेशन चेंज द रिलेशन रिलीजन आफ्टर द लास्ट ईयर द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नॉट कंसिडर। पिछले साल का यदि स्कोर के बेसिस पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इससे नहीं होगा, ठीक है। जो 2023 में लेना चाहते हैं एडमिशन तो 2023 का ही स्कोर कार्ड होना चाहिए, बात समझ आई कि नहीं। देन ये सब चीज़ें क्या है, 12th पास 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 होना चाहिए, ये सब तो आता हो। क्वालिफाइंग, हाँ अब देखो क्या क्वालिफाइंग आपका होना चाहिए। पहला कि पास, अब 12th का जो पास रहेंगे ठीक है, वो पास होना चाहिए बाय द ऑर्गेनाइज बोर्ड से, ठीक है। ऑर्गेनाइज मतलब जिस 12th जो अभी काम 12th जिस भी कॉलेज से किए हैं वो ऑर्गेनाइज बोर्ड वाला है ना, वैल्यू वाला है ना, कि नॉन वैल्यू वाला कॉलेज से कर लिए हो 12th, ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइज बोर्ड से ही होना चाहिए क्वालिफाई। सेकेंड, तमिलनाडु स्टेट फ्रॉम द इतना इतना पास स्टैंडर्ड एग्जाम से मैंडेटरी। हाँ, ये तमिलनाडु स्टेट के लिए आजाद के लिए, तमिलनाडु स्टेट खुद समझते हैं इस चीज़ को। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कैंडिडेट इज कंसीडर द एग्रीगेंट मार्क्स कैलकुलेशन ग्रेड कैलकुलेशन बैठा हुआ सब, ये सब यदि एग्जाम देता है BBSC जो कंडक्ट करती है तो उसका स्कोर ऐसा होना चाहिए, बस 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 तमिलनाडु स्टेट वाले के लिए, ठीक है ध्यान रख, तमिलनाडु स्टेट वाले के लिए सब, या BTEC वाले के लिए अलग अलग। अब देखो नंबर ऑफ अटैम्प जो एग्ज़ाम जो देगा, तो नंबर ऑफ अटैम्प कितना है, दो ही है, जो तमिलनाडु स्टेट वाले जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं ना इसमें दो ही एक बार एग्ज़ाम दे सकते हो SC ST के लिए, ठीक है। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये हम लोग ना जाने कितना बार पूछ चुका कॉमर्स में, भाई एज लिमिट क्या है, देख लो भाई मिनिमम एज तो होना चाहिए 17 साल, इससे कम हो जैसे 31 2023 के बीच, 31 दिसंबर 2023 आ गया है, पार कर चुका है, ठीक है, इसके पहले का आपको 17 साल हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम एज द नॉट द कम्प्लीटेड द एज द गिवन द बिलो, अच्छा यहाँ दे रखा है पीछे क्या किसका इसका मैक्सिमम एज लिमिट है। पहले देखो SC कैटेगरी के लिए जो शेड्यूल कास्ट है या फिर शेड्यूल कास्ट ऑथराइज SCA कास्ट है या फिर शेड्यूल ट्रेबल है ST है SBD SC और ST के लिए कोई एज लिमिट मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम तो 17 साल है, ध्यान रखें 17 साल हर एक के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए 17 साल है मिनिमम, और मैक्सिमम SC ST के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। बट इन केस ऑफ अदर मतलब SC ST के छोड़ के जितना भी OBC जनरल EWS इसके लिए एज लिमिट मैक्सिमम 21 साल है, ओह माय गॉड 21 ईयर होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो गया तो इसमें एडमिशन लेने के काबिल नहीं है, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता है, ठीक है। 5 साल अदर स्टेट में देखते हैं 5 साल रिलैक्सेशन देता है, मतलब 21 में 5 जोड़ दो भाई कितना हो जाए 25-26 साल ना, तो इसमें बट इसमें इस स्टेट में नहीं है। देन है रिजर्वेशन देख सकते भाई क्या है, सीट का रिजर्वेशन किसका किसका है, सबसे ज़्यादा OC के लिए है, ओपन कंपटीशन के लिए, सब देख सकते हो, बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जारी रहेंगे। अब फी स्ट्रक्चर भी देखते हैं क्या फी स्ट्रक्चर इसका है, स्पॉट पर्सन के लिए अलग है, चिल्ड्रेन इसे जहाँ लगा गया, थोड़ा सा आ जाए फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आ जाए तो मज़े आ जाए। फी स्ट्रक्चर ये देख रहे हो परसेंटेज ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री टूगेदर मज परसेंटेज मार्क्स केमिस्ट्री होने परसेंटेज ऑप्टिक्स और घंटा मोड़ चाहिए, सब हटाओ आप। फी स्ट्रक्चर यहाँ दे रखी है, देख रहे हो फी स्ट्रक्चर 5 साल का है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए भाई। फर्स्ट ईयर में टोटल फी स्ट्रक्चर ऐड नहीं किया है, बस 21,000 देखो 21,000 है, देख लेना फर्स्ट कॉलम में किस पे देख रहे हो, इस पे देखना फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ इंटर्नशिप में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर में कितना गया, 21,915 रुपया, सेकंड में 17,590 रुपया, थर्ड ईयर में 17,990 रुपया, दोनों सेकंड ईयर थर्ड ईयर सेम फीस है, और फोर्थ ईयर 26,860 रुपया एंड इंटर्नशिप में 12,000 लगेंगे, ये कॉलेज फी था। अरे यार क्यों हम पागल करते हैं मोबाइल मेरा, ठीक है कॉलेज फी भी देख लिया ना, ये कॉलेज फी प्लस इसमें देख लो भाई किस किस फीस का यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, तो वहाँ पे देखो मेंशन है, पहले की एग्जामिनेशन फी, ट्यूशन फी 8,000 लगेगा इसमें, 8,000 हर एक साल 8,000 है, इंटर्नशिप में 12,000 है, नहीं इंटर्नशिप में 8,000 है, सिर्फ फोर्थ ईयर में 12,000 है, बाकी सब में 8,000 ट्यूशन फी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल फी, फाइनल एग्जामिनेशन फी क्या लगेंगे, एग्जामिनेशन फी 4,000 ऐसे है, स्पेशल फी कॉलेज मिनिमाइजेशन फीस ऐसा है, लाइब्रेरी फीस इतना है, स्पोर्ट गेम चार्ज फीस इतना है, कंप्यूटर चार्ज फीस इतना है, रजिस्ट्रेशन एडमिशन फीस इतना है, सिलेबस कुछ नहीं, आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए इतना फीस है, करियर काउंसलिंग के लिए इतना फी है, दे रखा है ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए इतना फीस है, बस जो बस आपको अवेलेबल रहेगा तो उसके लिए चार्ज इतना है, ठीक है। डे स्कॉलर मेंट्री है, लैब फंड इतना के लिए चार्ज है, स्टूडेंट एसोसिएशन के लिए इतना है, भाई सारी का चार्ज लिखा है, बट हॉस्टल चार्ज कहीं ना लिखा है, तो ध्यान रखना हॉस्टल चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ जो दे रखा है सिर्फ कॉलेज का फी है, हॉस्टल चार्ज नहीं इसमें है और ना ही मैस चार्ज है यहाँ पे, तो मैस चार्ज अलग अलग लगेंगे और हॉस्टल चार्ज अलग लगेंगे, ध्यान रहे, ठीक है ना, देख लियो ना भाई कहीं हॉस्टल चार्ज के बारे में मेंशन है ही नहीं,
ये बातें दिमाग में समझ के जानी चाहिए, ठीक है। बाकी ये है बीटेक के लिए, यदि करना चाहते हैं इसके लिए अलग कोर्स के लिए अलग पैसा लगेगा, अलग पैसा है, ठीक है। बीटेक करना चाहते हैं इसका फी इतना है, तो सब हटाओ। आप लोग बीटेक नहीं करने वाले हैं, बातें समझ गया। कॉलेज भी देख लिए, देन आपका थोड़ा सा नीचे कुछ और कुछ लिखा है क्या? अरे US डॉलर में लिख रहा है, US में फॉरेन के लिए, फॉरेन लोग तो US में यूनिवर्स करते हैं, फिर US डॉलर के लिए बी टेक वाले चला टाओ। लास्ट पे आ जाओ भाई, ये सब अब तो सब चीज़ें कंप्लीट कर चुका हूँ ना, थोड़ा सा कटअप देख ले देंगे, और कटअप और थोड़ी सी एक मैप दिया लास्ट में हम देखे थे। हाँ ये कौन कॉलेज कहाँ पे है, जैसे पहले हम लोग है कि ये चेन्नई वाला मद्रास वेटरनरी कॉलेज चेन्नई, ये इस जगह पड़ेगा, ठीक है। जो तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ है भाई, तमिलनाडु का चेन्नई है ना, मद्रास तो यहाँ पे है। नेक्स्ट ये तो भी सही कंडक्ट नहीं करती है। सेकेंड नमाकाल यहाँ पे है, थर्ड पोर्थनेडू यहाँ पे है, और त्रिनेवेली कहाँ गया, देखो त्रिनेवेली सबसे नीचे है, ठीक है ना। इधर श्रीलंका के क्या बोलते हैं रामेश्वरम धाम घूमने के लिए मिल जाएगा भाई, रामेश्वर धाम है ना। यदि आप तमिलनाडु स्टेट में ले गए एडमिशन तो रामेश्वर धाम जो रामायण में बनाए थे ना सीता जी को लाने के लिए, जो ब्रिज बनाया था उसके पहले भगवान पूजा किए थे, है ना, रामेश्वर धाम वही है, घूम सकते हो वहाँ पे जब आओगे। सबके लिए इजी कौन होगा, त्रिनेवेली के लिए या फिर और थनेडू के लिए, नमाकाल के लिए इजी होगा, बट इन केस ऑफ मद्रास वेटरनरी के लिए उसको दूर पड़ेगा, है ना, घूमने के लिए। बट ये चीज़ें देख लिए, तनुवास यूनिवर्सिटी में क्या किया जाए। अब कट ऑफ थोड़े बारे बात कर लें भाई, कट ऑफ इन ये जनरल केसेस फर्स्ट, बाकी सब चीज़ कवर कर लिया हो ना, सीट कवर कर लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिए, फैसिलिटी जो जो था वो सब तो अवेलेबल रहेंगे हर चीज़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। दैन फीस स्ट्रक्चर देख लिए, नेक्स्ट आप देखते कट ऑफ। देखो भाई यदि आप जनरल कैटेगरी हो, ठीक है, अब नीट का हम देखो फीस ऑल इंडिया के थ्रू बात कर रहे हैं, ठीक है। जो तमिलनाडु स्टेट वाले हैं उसका कटअप अलग चलते हैं, उसका मार्क्स अलग चलते हैं, ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी यदि बिलोंग कर दें और नीट का एग्जाम दिए हैं, BCI के थ्रू आना चाहते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो स्कोर मार्क्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 500 प्लस होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड ओबीसी के लिए कितना होगा, 590 प्लस, ठीक है। और EWS के लिए, अरे यार EWS EWD की क्या रखते हैं, EWS के लिए, ठीक है, ये 580 प्लस होना चाहिए। ये समझ आई। देन दो कैटेगरी बन जाता है SC ST के लिए, SC के लिए हमारा बनता है, SC के लिए 450 प्लस होना चाहिए और ST के लिए 400 प्लस होना चाहिए, तो ये कॉलेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। बात समझ आई क्या, बाकी आपको ये चीज़ें तो समझवाना चाहिए क्या चीज़ें था, ठीक है। तो इसी के साथ हम कॉलेज को विदा देते हैं, इंटरव्यू बहुत हो गया इसका कॉलेज के बारे में, और कुछ फैसिलिटीज़ भी आपको जैसे सब चीज़ें डाउनलोड करोगे ना, सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल रहेंगे। जैसे इस वार्ड में क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या खेल होगा, सारे फैसिलिटी यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं कंप्यूटर में क्या कंप्यूटर स्कॉलरशिप सब यहाँ पे मेंशन है। बस ये PDF जाके आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेनी है सारी चीज़ें, और ज़्यादा चीज़ें जाननी है जो मेन टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया ना, और भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको आप हम निगलेक्ट कर लिए, बट आपको जानना है वो चीज़ें, तो आप क्या करना है आपको देख लेना है, कुछ चीज़ें तकलीफ नहीं देगी, बात है समझ के, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।